ज्योतिष आचार्य जी, कई लोगों के सपने में सांप से जुड़े कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को सांप डस रहा होता है, किसी को सांप सपने में ही दौड़ा रहा होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या संकेत करता है, उसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। स्वप्न में सर्प का देखना कभी शुभ भी होता है और कुछ अशुभ भी होते हैं। जैसे यदि आप स्वप्न में काला सर्प देख रहे हैं और काला सर्प आदृत आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो आपको शुभ संकेत देता है, लेकिन वही यदि सादा सर्प फन उठाए आपको दिखे तो वह अशुभ संकेत करता है। जिस प्रकार की यदि सपने में आपको सर्प एक साथ कई सर्प दिखे तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है, आफत आपको आएगा इसका संकेत देता है। और यदि आपको सांप डस लिया या आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, डसना तो शुभ है, यदि सांप आपको डस लिया तो इसका मतलब है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। आप यदि सांप के डसने से मर गए ऐसा अनुभव हो तो वह अत्यंत सुखदायक होता है। और यदि सांप और नेवला एक साथ यदि आप देख रहे हैं कि दोनों लड़ाई कर रहा है और आपका नज़र पड़ गया उस पर, तो समझ जाइए कि आपको आने वाले समय में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, आपके साथ किसी की लड़ाई होगी, उसका वह संकेत दे रहा है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको लोग तो अशुभ कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा संकेत जो है वह आपको सतर्क करता है। आप सतर्क यदि रहते हैं तो आपको वैसा दिन का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसे सांप जो है पीछा कर रहा है, आपके पीछे दौड़ रहा है, आप आगे आगे दौड़ रहे हैं, आपके पीछे सांप दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी से आप डर रहे हैं, आपके पीछे आपका मुसीबत लगा हुआ है, ऐसा आपको संकेत देता है। और विशेष करके आपको काला सर्प यदि दिखे तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका रुका हुआ धन वापस आएगा। आपके घर में यदि सांप घुस रहा है और यदि ऐसा आपने स्वप्न में देख लिया तो काला सर्प का घुसना आपके घर में सुख और शांति का प्रतीक है।